वेलकम टू माई क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ लॉजिकल फंक्शंस गिवन टू आस हियर ए लिस्ट ऑफ ऑल लॉजिकल फंक्शन इज गिवन टू यू ऑल फंक्शन लिस्टेड हिस्स आर डिस्क इन सेपरेट वीडियो लेक्चर लेट एस स्टार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने दो फंक्शंस को टेकअप करूंगा सम एंड इफ फंक्शन सम फंक्शन मैथ्स की कैटेगरी के अंदर आता है और इफ फंक्शन लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी के अंदर आता है इन दोनों फंक्शन की मदद से हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन टू रेंजेस बाय यूजिंग एरे मेथड। एरे मेथड को यूज करते हुए दो डिफरेंट रेंजेस के अंदर जो नंबर का डिफरेंस है हम उस नंबर को काउंट करेंगे आइएगा मूव करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन टू रेंजेस बाय यूजिंग एरे मेथड। एरे मेथड को यूज़ करते हुए दो डिफरेंट रेंजेस के अंदर जो नंबर के अंदर डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस के नंबर को काउंट करो इसके लिए मुझे दो छोटी छोटी टेबल्स दी गई हैं रेंज वन एंड रेंज टू दोनों के अंदर कुछ नंबर ऑलरेडी पॉपुलेट कर दिए गए हैं इन नंबर्स का आपस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कितने नंबर ऐसे हैं जो कि डिफरेंट हैं हमें उन डिफरेंट नंबर का नंबर काउंट करना है इसके लिए हमें एरे मेथड को यूज़ करना है मैं आपके सामने इस आंसर के नीचे वाले सेल के अंदर इस फंक्शन को दे रहा हूँ सम सम के अंदर मैं इफ फंक्शन को स्टार्ट कर रहा हूं और इफ फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास लॉजिकल टेस्ट है लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं ये कंप्लीट रेंज दे रहा हूं B4 फोर टू सी थर्टीन दिस इज इक्वल्स टू रेंज टू E4 फोर टू एफ थर्टीन स्टूडेंट ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है लॉजिकल टेस्ट के अंदर इफ फंक्शन इन दोनों दी गई रेंजेस के अंदर डिफरेंट नंबर्स को आपस में कंपेयर करेगा अगर तो वैल्यू ट्रू है यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर हमें जीरो नंबर दे दो और अगर कोई डिफरेंस इन दोनों के नंबर को चेक करने के अंदर मिलता है तो वहां पर हमें वन दे दो जितने भी डिफरेंसेस आएंगे सम का फंक्शन उन सभी वन को एड अप कर देगा आई क्लोज पेरेंथिस ये मैंने इफ फंक्शन को यहाँ पर क्लोज किया नाउ आई क्लोज द सम फंक्शन स्टूडेंट प्लीज नोट कीजिएगा मैं यहाँ पर सिंपल एंटर की प्रेस नहीं करूंगा मैं यहां पर तीन कीज को इकट्ठा प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस किया मेरे पास यहां पर एक आंसर आ गया थ्री इट मींस इन दोनों रेंजेस को जब इफ फंक्शन ने कंपेयर करना शुरू किया तो तीन जगह के ऊपर ये नंबर डिफर कर रहे हैं आइएगा वेरीफाई करते हैं कि ये नंबर कहाँ कहाँ पर डिफर कर रहे हैं दिस इज नंबर फाइव एंड दिस इज नंबर सिक्स मैं इन दोनों को कलर करता हुआ चल रहा हूं इसके बाद दिस इज थर्टी एंड दिस इज थर्टी वन वन इज सिक्स एंड दिस इज फिफ्टीन इन तीन जगह के ऊपर इन नंबर का डिफरेंस है तो हमें अरे मेथड के थ्रू ये आंसर मिल गया दैट देर आर थ्री डिफरेंसेस स्टूडेंट अगर मैं यहां पर सिंपल एंटर प्रेस कर देता ये मैंने डबल क्लिक करके फंक्शन को एक्टिवेट किया है अगर मैं सिंपल एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मुझे वैल्यू एरर देगा अब एक बार मैं फिर फंक्शन को एक्टिवेट कर रहा हूँ डबल क्लिक करके अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस करूँगा देन आई गेट दी आंसर स्टूडेंट यहाँ पर एक बात का ध्यान देंगे हमें यहाँ पर तीन कीज को एक साथ प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की अगर आप तीनों कीज को इकट्ठा प्रेस नहीं करेंगे कि जैसे अभी आपने देखा तो ये हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा राधर वी विल गेट दी वैल्यू एर मैं उम्मीद करूंगा इस छोटे से फंक्शन से आपको एरे मेथड को जानना अब आसान हो जाएगा किस तरह से हम सम के अंदर इफ फंक्शन को कंबाइन करके एरे मेथड को यूज कर सकते हैं दिस विल बिकम क्वाइट इजी टू यू नाउ Thank you very much.